वो सामूहिक तौर पे होगा, किसी को किसी के उत्साह में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे हम बात नहीं है, आप पेट कम करो सर। पिक्चर पैलेस बैरियर पर कुछ बाहर के पर्यटकों के द्वारा जो कि नशे में धुत थे, उनके द्वारा वहां पर जो बैरियर पर कर्मचारी थे नगर पालिका के, उनके साथ और जो आसपास में स्थानीय लोग थे उनके साथ भी अभद्रता की। उस अभद्रता को लेकर के सोशल मीडिया में एक मैसेज प्रसारित किया गया, जिसको लेकर के पुलिस के द्वारा 6 लोगों को वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए उनको बंद किया और 151 के तहत उसमें कार्रवाई के लिए पेश किया गया है। जिस क्रम में नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली मसूरी के विरुद्ध एक ज्ञापन अभी मुझे दिया है और उन्होंने उसमें मांग किया कि इनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए और इस ज्ञापन को सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जाएगा और सक्षम स्तर से जो भी निर्णय होगा वो किया जाएगा। अभी नगर पालिका के कर्मचारियों से और वार्ता की जाएगी और इस जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपस में मतभेद पुलिस और नगर पालिका के बीच में पैदा हुए हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि तत्काल ही ये इस समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, ये तो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है कि जो भी चाहे जो करे, लेकिन मैं कल से यही कह रही हूँ। मैंने आप सीसीटीवी फुटेज भी देखी है, सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पे नजर आ रहा है कि नगरपालिका कर्मी और जनता के कुछ लोगों की गलती है कि इन्होंने पर्यटकों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार के साथ साथ मारपीट भी की है, जो कि सर्वथा अनुचित है। और एक पद पर होते हुए महावीर राणा जी जो व्यवहार कर रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है, उन्हें इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इवन उन्हें एक पद पर रहते हुए संयमित रूप से व्यवहार करते हुए अपने कर्मचारियों को समझाना चाहिए, उचित अनुचित बताना चाहिए और सही गलत करते हुए पर्यटकों का सम्मान करना चाहिए। मांग है जी कि इस जो यहाँ की शहर कोतवाल है इसको यहाँ से तत्काल कार्य मुक्त किया जाए। सिर्फ एक मात्र मांग रखी इन्होंने जो है पालिका कर्मचारी को, बिना पालिका को बताए हुए, बिना किसी शिकायत के जेल के अंदर ठोस दिया। हमारी एक मात्र मांग है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से तत्काल कार्य मुक्त किया जाए। हम खेद व्यक्त करते हैं कि ऐसे माहौल में जब शासन ने, सरकार ने ऐसे अधिकारी को यहाँ पे तैनात किया हुआ है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सभी लोगों को जिनको इससे दिक्कत होगी उसके लिए उनसे हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन क्या करें, बहुत ही मजबूरी है कि हमको आज हड़ताल पे जाना पड़ रहा है, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं।